सो हाई गाइस, एंड आज से हम सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो पहला सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, दैट इज पैथोलॉजी, ठीक है। सबसे पहली बात, पैथोलॉजी है वो तुम्हारा जो जो तुम्हारा मेडिसिन और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उनका जो बेस बनाना है, पैथोलॉजी तुम्हारा उसमें मेन सब्जेक्ट है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सर्जरी भी क्यों ना हो, उसमें भी तुम्हें पैथोलॉजी बहुत ज्यादा चाहिए। तो हर एक्चुअली क्लिनिकल सब्जेक्ट में तुम्हें पैथोलॉजी आनी आनी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो बेसिकली तुम बहुत सारी डिजीजेस वगैरह के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी डिफरेंट पैथोलॉजीज पढ़ोगे, उन सबके क्लिनिकल फीचर्स भी तुम पढ़ोगे। और जब तुम एमसीक्यू साइट पर आओगे, वहां पर तो तुम्हें बेसिकली एक क्लिनिकल विनियट देना दिया होगा और उसकी तुम्हें डायग्नोसिस बताना होगा। और थ्योरी में सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं इसके एग्जाम में, तो तुम्हारे पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम अपनी लाइब्रेरी में जाकर पैथोलॉजी के बुक्स देखोगे, तो तुम्हें हर सेक्शन की बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। मतलब लिवर की पैथोलॉजी की अलग मिलेगी, लंग पैथोलॉजी की अलग मिलेगी, और एक एक पैथोलॉजी पे मल्टीपल बुक्स मिलेगी। बट तुम्हें इतनी सारी पैथोलॉजी नहीं पढ़नी होती। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एमबीबीएस में सेकेंड ईयर में तुम्हें बहुत थोड़ी सी पैथोलॉजी पढ़नी होती है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं। नाउ फर्स्ट ईयर में हम जनरली क्या करते थे, एक फॉरेन ऑथर की बुक लेते थे और एक इंडियन ऑथर की। अब सेकेंड ईयर में काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एक बुक से काम चल जाता है। तो यू कैन आइदर बाय इंडियन ऑथर और यू कैन बाय एन इंटरनेशनल ऑथर। उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, वो तो मैं बताता हूँ। उससे पहले यार मेरी एक वेबसाइट है बुकेशी, एंड bukeshi.com। वहां पर जाकर तुम सारी बुक्स के रिव्यूज पढ़ सकते हो और तुम अपने रिव्यूज भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो डू चेक इट आउट। इस पेज से रिलेटेड जो पैथोलॉजी की बुक्स है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। ऑल्सो जो बुक्स भी मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो में, उन सबके जो लिंक्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वो भी जाके देख सकते हो। सो शुरू करते हैं बुक्स का। नाउ सबसे पहले इंटरनेशनल ऑथर्स की कुछ बुक्स देखते हैं। नाउ सबसे जो मोस्ट फेमस ऑथर है इनके, एंड नॉट जस्ट फॉर पैथोलॉजी, बट नॉट जस्ट इन सेकेंड ईयर, बट ओवरऑल मेडिसिन में जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच यू आर गोइंग टू रीड इन योर होल एमबीबीएस इज गोइंग टू बी दिस वन, एंड दैट इज रॉबिन्स। जब तुम रॉबिन्स देखोगे, तो रॉबिन्स में भी तीन अलग तरीके की बुक्स हैं। एक्चुअली बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मेनली मेजरली सिर्फ तीन तरीके की बुक्स ही हैं जो तुम यूज करते हो। सबसे पहली जो पैथोलॉजी की बुक आती है वो आती है रॉबिन्स एंड कॉटरन, पैथोलॉजिक बेसिस ऑफ डिजीज। ओके, ये नंबर वन बुक है, और इसमें ये दो पार्ट्स में मिलती है, पर मोस्टली हम लोग एमबीबीएस में यही बुक यूज करते हैं। सो दो पार्ट्स में, ये जैसे उसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी मेरे पास है। मतलब ये दूसरा पार्ट है, जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो थोड़ी सी खराब सी, तुम्हें दिखाई नहीं तुम्हें, मतलब मैं यूज करके खराब कर दी उसको, इसका मतलब मैं पढ़ता हूँ। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ पैथोलॉजी की, और अपडेट होती रहती है। जैसे ये जो है 9th एडिशन है, लेकिन अब अगर तुम खरीदोगे तो हमारे पास 10th एडिशन इसी साल आया है, तो वो भी लाइक 2020 में आया। तो मतलब तुम वो भी अब खरीदोगे तो वो वाला लेना, बिकॉज बहुत सारी चीजें अपडेट होती हैं। रॉबिन्स की ही दूसरी एक बुक आती है, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी। ये इस बुक का थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन टाइप तुम बोल सकते हो। अब प्रोफेशनल एग्जाम के लिए एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इस बुक में मटेरियल जो है वो इनफ है, और काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ये बुक सजेस्ट करी जाती है रादर देन दी दूसरी वन। ठीक है, तो ये भी देख लेना यार, तो कि तुम्हारे कॉलेज में क्या बोलते हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स हैं जहां पर उनको ये बुक सजेस्ट करी गई थी रादर देन द बिग वन। अब रॉबिन्स की एक तीसरी बुक आती है। नाउ इस बुक के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, बट ये काफी अच्छी बुक है, ये रॉबिन्स एंड कॉटरन रिव्यू ऑफ पैथोलॉजी। नाउ रिव्यू बुक है, इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें नोट्स मिलेंगे, इसमें सिर्फ तुम्हें एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, और ये रॉबिन्स के अपने एमसीक्यूज है, तो उसमें जो रॉबिन्स का मटेरियल है वही सारा कवर्ड है। और ऑर्डर काफी अच्छे से ऑर्डर वाइज गिवन है, मतलब पेज वाइज तुम देखोगे जब तुम उसके सॉल्यूशन में जाओगे, तुम्हें पेज नंबर भी गिवन होगा, और काफी ऑर्डर वाइज एमसीक्यूज गिवन है। मतलब अगर टॉपिक में पहले ये आ रहा है तो पहले इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे उसी हिसाब से तुम्हें एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रिव्यू बुक है पैथोलॉजी के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिकल विनियट्स है, और जो एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें गिवन है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। काफी कम लोग इस बुक के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर तुम जानते हो तो तुम्हें ये भी खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट है एक और बहुत फेमस बुक, दैट इज पैथोमा। पैथोमा इन बुक्स की रॉबिन्स जैसी एक बहुत बड़ी बुक नहीं है, वो जस्ट एक नोट्स टाइप की बुक है। तो इट्स जस्ट अ नोट्स, और उसमें बहुत कॉन्साइज तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वो नोट्स गिवन है। वो बेसिकली यूएसएमएलए के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफ के लिए इतनी नहीं, बट स्टिल अगर तुम्हें नोट्स और शॉर्ट रिवीजन चाहिए तो पैथोमा इज वंडरफुल। एंड जो मटेरियल गिवन है उस बुक में वो सारा का सारा बहुत ही हाई यील्ड मटेरियल है। मोस्टली जो तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या फिर तुम अपने मोस्टली इवन जो तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या फिर इवन तुम्हारे वाइवाज में, कहीं पर भी तुम क्वेश्चन देखोगे, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें पैथोमा में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज योर गोलियन। नाउ गोलियन अगेन इज अ वेरी गुड बुक। गोलियन, गोलियन की मतलब रैपिड रिव्यू पैथोलॉजी नाम की बुक होती है गोलियन की, वो बहुत अच्छी बुक है।
उसमें भी जैसे पिथोमा में नोट्स वाइज है, उसमें भी नोट्स की फॉर्म में ही गिवन है, बुलेट पॉइंट्स है, बहुत सारे टेबल्स है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है गोलियन का वो बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स भी बहुत अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू उसमें एक्सप्लेन है। काफी कंट्रीज में, नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, काफी जगह पर रॉबिन्स के बजाय लोग गोलियन को यूज करते हैं एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर तो मोस्टली सब रॉबिन्स यूज करते हैं, बट बाहर की कंट्री में गोलियन भी यूज करते हैं। थोड़े इंडियन ऑथर्स की बुक्स पे आते हैं। इंडियन ऑथर की जो सबसे फेमस बुक है दैट इज डॉक्टर हर्ष मोहन की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी। उसमें भी बहुत प्रिसाइजली सब पॉइंट वाइज गिवन है, और जो तुम्हारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है उसके लिए वो बेस्ट है। मतलब अगर तुम्हें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो डायरेक्ट उनके आंसर्स और उनसे रिलेटेड डायग्राम तुम्हें बुक में मिल जाएंगे। तो प्रोफेशनल के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो बहुत अच्छी है। इवन सच बताऊं, बहुत सारे टॉप स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो कि जिन्होंने कभी रॉबिन्स नहीं पढ़ी और वो हर्ष मोहन पढ़ के ही पास हुए हैं, और हर्ष मोहन पढ़ के उन्होंने अपनी नीट पीजी टॉप किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये बुक तुम लोगे तो तुम कोई रॉबिन्स वालों से तुम नीचे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये भी इक्वली गुड है रॉबिन्स के। ठीक है, देन एक हमारी एक गाइड टाइप बुक आती है, दैट इज हम उसको दैट इज पीपी, हम उसे प्रशांत पटेल बोलते हैं, दैट इज कंसाइज पैथोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। तो तुम्हें बहुत ही जो हाई मटेरियल है तुम्हारे पैथोलॉजी का वो सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में गिवन है इन दिस बुक। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी तुम खरीद सकते हो। वी हैव डॉक्टर स्पर्श गुप्ता एंड जीआरजी सर, दोनों की जो बुक है वो दोनों की मिलके बुक है, दैट इज जो रिव्यू ऑफ पैथोलॉजी है। उसमें भी तुम्हें बहुत सब कुछ नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा और सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी तुम ले सकते हो। उसके अलावा डॉक्टर देवेश मिश्रा के भी नोट्स होते हैं, वो भी काफी अच्छे हैं। वो नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें बहुत ही कम पेजेस में बहुत सारा मटेरियल कवर है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक। मतलब तुम काफी जल्दी उनको रिवाइज कर सकते हो, तो काफी और उस कम टाइम में तुम एक्चुअली में बहुत सारा रिवाइज कर लेते हो, तो इसलिए मुझे वो बुक भी बहुत पसंद है। तो ये सब जो रिव्यू बुक्स हैं, जैसे देवेश मिश्रा सर की बुक है, या फिर जो स्पर्श सर की बुक है, या फिर जो पैथोमा है, वो सब तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू बाय अ टेक्स्ट बुक, एंड देन उसके ऊपर ये बुक्स तुम खरीद सकते हो। इसके अलावा एक सेक्शन ऐसा आता है दैट इज योर हेमेटोलॉजी बुक। हेमेटोलॉजी के लिए भी तुम्हें एक अलग से बुक लेनी पड़ती है, उसमें भी बहुत सारे ना, हेमेटोलॉजी इन इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इवन पैथोलॉजी में भी लोग हेमेटोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं, तो इसके भी ऊपर बुक्स हैं, तो बहुत सारी बुक है। तो एक इंडियन ऑथर बताता हूँ, एक फॉरन ऑथर बताता हूँ। इंडियन ऑथर में तेजेंद्र सिंह सर की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, एंड उसमें भी बहुत एवरीथिंग जो गिवन है उसमें काफी अच्छे से नोट्स फॉर्म में, और काफी स्टूडेंट फ्रेंडली वे में गिवन है सब कुछ, तो तुम वो बुक भी पढ़ सकते हो फॉर हेमेटोलॉजी। और अगर तुम्हें थोड़ा क्लिनिकल हेमेटोलॉजी पढ़नी है और काफी तुम्हें डीप में जाना है, तो देयर इज बेथेस्डा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, देयर इज बेथेस्डास हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, तुम वो भी पढ़ सकते हो। इसमें तो मैं बता दूं कि इंडिया में ही है हम जहां पे हेमेटोलॉजी की अलग से बुक लेते हैं, बिकॉज यहां पर हेमेटोलॉजी काफी ज्यादा लेवल पे एमबीबीएस लेवल पे पूछी जाती है, बट आउटसाइड इंडिया या फिर जब तुम उसके लिए पढ़ रहे हो अपने यूएसएमएल वगैरह के लिए, वहां पर तुम्हारे जो ऊपर जो मैंने पहले पैथोलॉजी की बुक्स बताई उसमें भी हेमेटोलॉजी का सेक्शन होता है, दैट इज इनफ। ठीक है, फॉर इंटरनेशनल एग्जाम्स। इंडिया में थोड़ा हेमेटोलॉजी जो है वो ज्यादा पूछी जाती है, सो इसके लिए यहाँ पर तुम्हें हेमेटोलॉजी की अलग से बुक लेनी होती है। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें ये सारी बुक्स के बारे में और जानना हो तो तुम मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। इस पेज से रिलेटेड जो पैथोलॉजी की बुक्स है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तुम उससे जा सकते हो। वहां पर तुम कमेंट करके पूछ सकते हो बुक्स के बारे में, यू विल गेट द आंसर्स, एंड तुम और सब्जेक्ट्स की भी बुक्स वहां पे देख सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर सेकंड ईयर, एंड गॉड ब्लेस यू।